शशबल मैम, मैं टीचर क्लास 10th को 9th चैप्टर में 9th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 9th क्वेश्चन हमारे पास द एंगल ऑफ द रिलेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द रिलेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हमने बिल्डिंग ली है और ये हमारे पास 50 मीटर टावर है। अब हमारे पास एंगल कैसे गिवन है, द एंगल ऑफ द रिलेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है एंड द एंगल ऑफ द रिलेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। टावर इज 50 मीटर हाई और हमें क्या फाइंड आउट करना, हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग h मीटर हाइट ऑफ द टावर हमारे पास 50 मीटर। एंगल ऑफ रिलेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर टॉप ऑफ बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर हमारे पास 50 डिग्री का एंगल है। द एंगल ऑफ रिलेशन टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। अब लेंगे हमारे पास इंट्रायंगल ए बी सी हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये हमारे पास एंगल पूरा हो गया 90 डिग्री। अब बी सी बाय ए बी बेस बाय परपेंडिकुलर कोट इसमें हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। बी सी ए बी हमारे पास है 50 मीटर और कोट 60 1/√3। बी सी इक्वल 50/√3। अब ट्रायंगल ले लेते हैं, इंट्रायंगल डी सी बी इक्वल 90 डिग्री। अब बी सी बाय डी सी कोट हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री। बी सी हमें फाइंड आउट करना है और डी सी हमारे पास एच है। कोट 30√3। बी सी इक्वल √3 एच। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। √3 h इक्वल 50 root
50 बाय रूट थ्री, एच इक्वल 50 बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 50 बाय थ्री 16, 2 बाय थ्री हमारे पास हाइट आ जाएगी बिल्डिंग की, हाइट ऑफ बिल्डिंग टू बाय थ्री मीटर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स।